पास हो गया है, राशि से जीता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है इमरान कबड्डी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। रजत सिंह 3 पॉइंट हासिल करने के बाद दोबारा रेड करने के लिए गए हैं। देखना है इस बार रजत क्या करते हैं, जबकि बजरंग हॉस्पिटल को अभी अपना खाता खोलना है। और डाइव लगाया लेकिन कमाल का खेल चल रहा है। और फाइनल इस वक्त रेडर आउट, रेडर आउट आउट, 1 पॉइंट और मिला मेहंदीगंज को। मेहंदीगंज 3, बजरंग हॉस्पिटल 0। ये फाइनल का मुकाबला चल रहा है और इसके पहले सेमीफाइनल में बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ था। दोनों टीमें जौनपुर की थी, लेकिन इस वक्त एक जौनपुर की टीम, एक बजरंग हॉस्पिटल शिवपुर की टीम। पीछे नहीं देख रहे थे, अगर तेजी के साथ हाथ बढ़ाते तो पॉइंट मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डू आर डाई पर है रजत सिंह। देखना है डू आर डाई पर रजत सिंह को टैकल करते हैं या रजत सिंह पॉइंट हासिल करके अपने मैदान में चले आते हैं। काफी चल भर के रेट करते हुए टच कर दिया, बहुत तेज दौड़ करके कार्नर के खिलाड़ी को टच किया। पीछे आशीष, पीछे लाइन में रखो यार, सो गए क्या तुम लोग? और फाइनल के मुकाबले में 4 अंक मेहंदीगंज ने बना लिया है और अभी तक बजरंग हॉस्पिटल के स्कोर का आगाज नहीं हुआ है। बजरंग हॉस्पिटल की टीम बहुत अच्छी टीम है, उनके पास वो क्षमता है, वो कारनामा कभी भी कर सकते हैं, कुछ करिश्मा कर सकते हैं। हालांकि विशाल पटेल और बहुत ही बढ़िया टैकल, सुपर टैकल है, 2 पॉइंट मिलेगा। सुपर टैकल है, 2 पॉइंट मिलेगा। दो अढ़ाई है विशाल पटेल में, टीम के कैप्टन हुए हैं। देखना है विशाल पटेल तेजी के साथ दौड़ लगाई और उन्होंने ठाकुर को टच किया। सत्यम ठाकुर को उन्होंने टच किया और 3-4, जहां पर खाता खोलने में थोड़ा सा विलंब हुआ लेकिन उसके बाद 3 अंक बना लिया है। कोशिश के बाद पॉइंट हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए। विशाल पटेल एक मरतबा फिर रेड करने के लिए जा रहे हैं और एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमें बहुत ही अच्छी हैं और फाइनल का मुकाबला इस वक्त चल रहा है। जो भी दर्शक प्लेस है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बजरंग हॉस्पिटल और मेहंदीगंज के बीच ये मुकाबला फाइनल का खेला जा रहा है। सेमीफाइनल में जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम को मेहंदीगंज ने हराया और वो फाइनल में पहुंचे। सनी, हाँ भैया ले हैं। और मेहंदीगंज के प्लेयर बजरंग हॉस्पिटल के मैदान में रेड करते हुए, लेफ्ट में रेडर हैं और तेजी के साथ दौड़े लेकिन वापस मुड़ गए। बहुत ही चालाकी के साथ रेड करते हुए समझ रहे हैं कि यहां से कोई गलती नहीं करना है। अभी भी 4-3 का मुकाबला चल रहा है, 4 अंक पर है मेहंदीगंज की टीम, 3 अंक पर है बजरंग हॉस्पिटल की टीम।
इमरान यूट्यूब चैनल थोड़ा सा इमरान पीछे हो जाए भाई, दो अढ़ाई दो आर ढाई जिस जगह पर आप बैठे हैं खिलाड़ी आपके ऊपर गिर सकते हैं, मोबाइल आपका हाथ से छूट जाएगा हमारे पास चला आएगा। दो आर ढाई है, उदित है टीम के कैप्टन भी है। जी हाँ सही बात आप कह रहे हैं कि इमरान का चैनल बहुत पुराना हो गया है, सब्सक्राइबर पड़ गए हैं और उनको एक हैंडल लेना पड़ेगा जिस पे रख करके वो आराम से सब्सक्राइब करें। क्या हो गया, बिल्कुल कार्नर पे जाकर के एक खिलाड़ी को छोड़ करके दूसरे खिलाड़ी को टच किया, दो अढ़ाई दो आर ढाई इधर से भी है, पांच मेहदीगंज तीन बजरंग हॉस्पिटल, विशाल पटेल जो कि दो आर ढाई रेड है तो कुछ करना होगा, कोशिश कर रहे विशाल और एक पॉइंट हासिल कर लिया, तो बाहर किया है रजत इस वक्त रेड पर है। और ये मुकाबला देखने के लिए कुछ लोग सो करके आए हुए हैं, सुबह जग करके आए हुए हैं, इसलिए दर्शकों की भीड़ बढ़ गई है और रात में दर्शक काफी कम हो गए थे लेकिन अब फिर से दर्शकों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन डॉक्टर साहब जो लोग चार बजे गए होंगे वो निश्चित रूप से सोए हुए होंगे, हाफ टाइम है दो मिनट, हाफ टाइम में दो मिनट का समय और बाकी है। सात नंबर जर्सी के खिलाड़ी विशाल पटेल जो कि बजरंग हॉस्पिटल के कैप्टन भी हैं और काफी दिनों से कबड्डी खेल रहे हैं, ज्यादा उम्र नहीं है लेकिन 13 साल 12 साल की उम्र से कबड्डी खेल रहे हैं, काफी अनुभव है इनके पास। मेहदीगंज के खिलाड़ी बजरंग हॉस्पिटल के मैदान में, दोनों टीमों के मैदान में पांच पांच खिलाड़ी हैं और सभी टीमें ये सोच रहे हैं कि अब दो आर ढाई पर खेला जाए क्योंकि बोनस नहीं है, बोनस ऑफ है, दो आर ढाई। रजत सिंह देखना है, रजत सिंह दो आर ढाई पर क्या करते हैं, बहुत ही चढ़ करके रेट करते हुए और वहां पर रजत का हाथ देखना है पहुंच पाया है या नहीं, नहीं एक अंक मिला है बजरंग हॉस्पिटल को, बजरंग हॉस्पिटल एक अंक के साथ दो आर ढाई इधर से भी है। जरा देखने दो यार संत कुमार, पांच 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 और पांच, बातें हैं बहुत ही खास और स्कोर है इस वक्त पांच और पांच और यहां पर मेहदीगंज के खिलाड़ी ने टैकल कर लिया बजरंग हॉस्पिटल के खिलाड़ी को, 6 मेहदीगंज 5 बजरंग हॉस्पिटल। क्या कड़ा मुकाबला चल रहा है, एक एक पॉइंट के लिए दोनों टीमें जूझ रही हैं और इसी तरीके का मुकाबला होना चाहिए फाइनल में, इसी तरीके के दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि एक कड़ा मुकाबला होगा। हाफ टाइम हो चुका है और हाफ टाइम के बाद तो हमारे बाई तरफ अब आ गई है बजरंग हॉस्पिटल की टीम जबकि दाहिनी तरफ है मेहदीगंज की टीम जो कि एक टीम रेड करने के लिए जा रहे हैं, पांच का डिफेंस है, पांच खिलाड़ी मौजूद हैं, ऐसे में विशाल पटेल के पास एक सुनहरा मौका है कि वो उनकी टीम जो पिछड़ रही है उसको बराबर पर लाए उसके बाद आगे बढ़े, ये क्षमता है उनके अंदर। जबकि उदित और रजत दोनों रेडर इस वक्त बाहर हो गए हैं, उदित और रजत दोनों रेडर इस वक्त बाहर हो गए हैं। तो दोनों टीमों के मैदान में पांच पांच खिलाड़ी हैं, पांच अंक बनाया है बजरंग हॉस्पिटल ने
और 6 अंक बनाया है मेहदीगंज ने। लंबे कद के खिलाड़ी इस वक्त रेड करते हुए और बगैर पॉइंट के वापस। दो अढ़ाई पर डॉक्टर राजेश आप देख रहे हैं कि 2-2.5 पर ज्यादा इस वक्त खेल चल रहा है। दोनों टीमें बहुत ही चलाके के साथ सोच रही है कि किसी तरह के तरीके से फाइनल का मुकाबला जीत लिया जाए। और विशाल पटेल इस बार निकल गए तो कमाल हो जाता, और आ गए थे उन्होंने डरा नहीं दिया था उनके कैरेक्टर को, थोड़ी दूरी रह गई। अगर वो आ जाते तो कमाल हो जाता, अगर वो आ जाते तो कमाल हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि पूरी कोशिश की उन्होंने, पूरा दमखम लगाया, लेकिन मेहदीगंज के खिलाड़ी ने आखिर में उनको अपने कब्जे में ले लिया। 2-2.5 है, 2-2.5 है। उदित है 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, टीम के कैप्टन भी हैं, और कहां जाएंगे। 1-1 पॉइंट दोनों तरफ से बने हैं, मगर 1 पॉइंट की बढ़त अभी भी बरकरार है मेहदीगंज के पास। तो फिर से 5-5 खिलाड़ी दोनों टीमों के मैदान में, लेकिन अभी भी उदित और रजत दोनों रेडर बाहर हैं। उदित और रजत जब बाहर हैं तो एक सुनहरा मौका है फूलपुर के लिए। हालांकि फूलपुर की टीम में भी विशाल और एक 2 नंबर जैसे के खिलाड़ी जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, अच्छे रेडर दोनों टीमों के इस वक्त बाहर हैं। किशन जो कि लंबे कद के खिलाड़ी, लेकिन उतना ज्यादा इन्होंने अभी तक प्रयास नहीं किया है जिस खेल के लिए वो जाने जाते हैं, 2 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। और वही बात हो रही है कि चलो 2-2.5 पर खेला जाए। दोनों टीमों के कोच, दूसरा टाइम आउट है, मजा है। 2-2.5, 2-2.5 है, देखना है क्या करते हैं ये रेडर। 2-2.5 पर अक्सर खेल चल रहा है और काफी देर से देखना है, लेकिन वहां पर रेडर आउट। देखो भाई उनको चोट, पॉइंट इस 1 अंक के साथ 8 अंकों पर पहुंच गई मेहदीगंज की टीम, जबकि 6 अंक पर है बजरंग हॉस्पिटल की टीम। 2-2.5 इधर से भी देखना है रजत क्या करते हैं इस रेट पर, काफी चढ़ के रेट करते हुए कुछ करना होगा या बाहर जाना होगा। 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी और पीछे निकल गए, गैप जो मिला उसका फायदा उठा लिया, गैप जो मिला है उसका फायदा उन्होंने उठा लिया है। 1 अंक की बढ़त अभी भी है मेहदीगंज के पास, मेहदीगंज 8 बजरंग हॉस्पिटल 7। 6 मिनट का खेल और बाकी है और ये फाइनल का मुकाबला चल रहा है, और फाइनल का मुकाबला सुनकर के सोए हुए लोग जग गए हैं, मुकाबला देखने के लिए आए हैं। हालांकि बहुत सारे दर्शक यहां से जा चुके थे, लेकिन जब फाइनल सुना तो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, और जो न आए पाए हो उनके लिए मैं बता दूं कि इमरान कबड्डी यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए और आप ये मुकाबला घर बैठ करके देख सकते हैं। 2 नंबर जैसी के खिलाड़ी इस वक्त रेड करते हुए मेहदीगंज के मैदान में, ये मुस्तफा बाद का मैदान जो कि बगीचे का मैदान, अगर बरसात भी होती यहाँ पर तो पानी की बूंदे पेड़ पर ही रह जाती, इसलिए बारिश के मौसम में ऐसी जगह पर मैच रखा गया। और मिट्टी यहाँ की इतनी अच्छी है कि 2-2.5 रेड है, 2-2.5 रेड है। तो 2-2.5 पर अब तक दोनों टीमों के खिलाड़ी परेशान हो रहे हैं,
और इस बार देखना है बजरंग हॉस्पिटल के खिलाड़ी क्या कर पाते हैं। रेडर आउट, एक पॉइंट और मेहंदीगंज को। दो आर डाई पर खेल हो रहा है, दो आर डाई पर सिर्फ पॉइंट बन रहे हैं और वैसे बोनस बंद है। तो इस बार उदित ने वो काम कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लंबाई का फायदा उठाया और कॉर्नर पे जाकर के उन्होंने खिलाड़ी को टच किया है और अब बढ़त हो गई है तीन अंकों की। समय चार मिनट और बाकी है, समय चार मिनट और बाकी है और फाइनल का मुकाबला चल रहा है। बजरंग हॉस्पिटल के कोच रमेश पटेल बार बार खिलाड़ी को समझा रहे हैं कि यहां से अब कोई गलती नहीं करनी है, सुपर टैकल आन है, अगर दो बार टैकल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो मुकाबले में फिर से वापस आ जाएंगे। 10 नंबर जर्सी के खिलाड़ी इस वक्त की रेट करते हुए, बोनस खुला हुआ है, बोनस खुला हुआ है, देखना है क्या ये खिलाड़ी 10 नंबर जर्सी के खिलाड़ी किशन कुमार लेकिन कुछ नहीं कर पाए वापस अपने मैदान में। उदित जा रहे हैं, सुपर टैकल आन है, अगर यहां पर टैकल कर लेते हैं उदित को तो निश्चित रूप से पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन उदित कामयाब हो गए एक पॉइंट हासिल करने में। एक पॉइंट के साथ मेदीगंज 11 और फूल बजरंग हॉस्पिटल 7। बहुत ही अच्छा खेल रही थी बजरंग हॉस्पिटल की टीम लेकिन दो बार वो उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाए। थ्री पॉइंट ऑल आउट हो गई बजरंग हॉस्पिटल की टीम। ये फाइनल का मुकाबला चल रहा है और पहले हाफ में दोनों टीमें सिर्फ एक पॉइंट के फर्क पर चल रही थी लेकिन अब मेहंदीगंज की टीम ने बढ़त बना ली है क्योंकि मेहंदीगंज का अंक हो गया है इस वक्त 8 और 15 का मुकाबला चल रहा है, 7 अंक से आगे है इस वक्त मेहंदीगंज की टीम। विशाल पटेल जो कि टीम के कैप्टन है, विशाल पटेल रेड करते हुए मेहंदीगंज के मैदान में, कॉर्नर के पास उन्होंने बोनस लाइन के पास पैर लगाया जरूर। बगैर पॉइंट के वापस रजत जा रहे हैं जो कि आज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है रजत ने मेहंदीगंज की तरफ से और उदित ने फाइनल के मुकाबले में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ये फाइनल का मुकाबला चल रहा है और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। फाइनल मुकाबला जीतने के करीब पहुंच रही है मेहंदीगंज की टीम, अभी भी मौका है बजरंग हॉस्पिटल के लिए कोई करिश्मा रेड हो जाए, एक ही बार में 4-5 पॉइंट हासिल कर सके लेकिन रेडर आउट, एक पॉइंट और मेहंदीगंज को। समय 1 मिनट, तो निश्चित रूप से ये मुकाबला फाइनल का मुकाबला जीतने के बिल्कुल करीब हो चुकी है मेहंदीगंज की टीम और इस साल कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं ये खिलाड़ी, कभी मेहंदीगंज के नाम से कभी जौनपुर के नाम से। दर्शक रुके रहेंगे,
भाई दर्शक को अब हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ दर्शक रात भर रुके रहे, फाइनल देख चुके हैं और हो सकता है उनका मन हो कि ना हम नहीं देखेंगे। एक पॉइंट बजरंग हॉस्पिटल को मिला है काफी देर के बाद। 9 अंक पर पहुंची है बजरंग हॉस्पिटल की टीम, जबकि 17 अंकों पर है मेहदीगंज की टीम। तो धीरे धीरे ये समझ में सबको आ गया है कि मेहदीगंज की टीम फाइनल मुकाबला जीतने के बिल्कुल करीब है। और औपचारिकता है सिर्फ अब बाकी बची हैं। समय समाप्त। तो मैं बता दूं, एक शानदार मुकाबले में मेहदीगंज ने बजरंग हॉस्पिटल और सेकेंड पोजिशन हासिल किया है बजरंग हॉस्पिटल की टीम ने। और आज का ये टूर्नामेंट अब यहीं पर समाप्त हो चुका है और अब आएगी इनामों की बारी। और बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी का, जिन्होंने यहाँ पर अपना डीजे और अपना सब कुछ, अपनी नींद की कुर्बानी उन्होंने दी। इमरान कबड्डी यूट्यूब चैनल जो कि आशीष और मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मेरे साथ में डॉक्टर राजेश, उनकी तस्वीर अपने कैमरे में लेना चाहते हैं, जबकि ये तस्वीर बहुत दूर तक जाएगी। और एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा कि ये बड़ा ही अच्छा टूर्नामेंट आशीष जी का रहा, जिसमें 40 टीमों ने भाग लिया था। बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो गया, 40 टीमें आई हुई थी। और हम लोग ये नहीं समझे थे कि इतनी टीमें आ पाएंगी, कि सुबह हो जाएगा। सुबह हो गई और कुछ टीमें तो लड़कियां से वापस करना भी पड़ा, कुछ टीमों को इतनी नहीं हुई। अगर और एक टीम तो अरे उनके सबके देना चाहिए। तो अब भाई मैं तमाम उन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो कि इस टूर्नामेंट से, उनका डीजे चल रहा है अभी तक आप देख रहे हैं, जिसके सौजन से अब मैं बुलाना चाहूंगा मेहदीगंज के कैप्टन को, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। मेहदीगंज के कैप्टन जिन्होंने इतनी अच्छी टीम तैयार की है, भैया हो जाएगा वैसे दे दिया सब करेंगे। और ये फर्स्ट में उनके खिलाड़ी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इतनी कड़ी मेहनत के साथ आप फाइनल में पहुंचे और आपने फाइनल का ताज अपने सर पर बिठा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप और अच्छा खेल दिखाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। ये मेडल ले लें। और यहीं पर अब मैच का समापन लगभग पूरी कमेटी के डॉक्टर राजेश के साथ और अपनी पूरी कमेटी के साथ विदा लेना चाहूंगा। ऐसी मुझे नहीं चाहिए, ऐसी कुल है।